अब तो और भी सुंदर लग रहे हो। ऑसम एकदम। समझ में नहीं आ रहा, दुपट्टे का रंग उर्मी पर खिल रहा है या सम्राट के प्यार का रंग चढ़ रहा है। मौसी, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। जैसे शादी नजदीक आएगी, रंग और गहराता चला जाएगा। ऐसे मौसा जी, आज का ओवरऑल फंक्शन आपको कैसे लगा? भाई फंक्शन तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो लोग हमसे संपन्न और बड़े तो है, पर हमने पूरी कोशिश की थी कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। अरे नहीं अंकल, कुछ भी कमी नहीं रह गई, और अगर कमी होगी भी तो हमें दिखाई नहीं दी। अब वो लोग थे इतने अच्छे, किस्मत वाला है अपना सम्राट कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। हाँ ईशान, बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़े सुलझे हुए लोग हैं पापा। हाँ बहू, जरा बटुआ तो देना, देखे तो लड़की वालों ने क्या दिया है। ला 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 ला। जी क्या, सिर्फ 1001 रुपया? इससे तो 20 गुना ज्यादा दिया है हमने। नहीं तो क्या, हमारा शादी का जोड़ा ही कितना महंगा था माँ जी। वही तो, इतने में तो उनका 6 महीने का घर का खर्चा चल जाएगा। कितना सुंदर और महंगा लहंगा है, जे देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। भारी भी है, नहीं? काफी। ये सब तो ठीक है, पर हमें एक चिंता खाए जा रही है। हम बड़े टेंशन में हैं माँ। किस बात का टेंशन बेटा? हमारी नाजुक सी बहन इतना हेवी लहंगा पहनेगी कैसे? कोई एक आदमी मदद के लिए तो चाहिए होगा ना। भाई आप तुम मत शुरू हो जाओ। अरे अच्छा बाबा, नहीं नहीं, आप आ जाओ यहाँ। नहीं आएंगे। आजा। बड़ा आए हैवी लहंगा। तो हमारी प्यारी बहना जा रही है अपने राजकुमार के साथ। अब ये बता कि मैं चोटियां किसकी खींचूंगा? तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ दिनों में तुम ससुराल चली जाओगी। ये मत सोचना कि हम आपको सताना छोड़ देंगे। इसी शहर में हैं हम। आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ उर्मी, समय समय पर इसे डोज देती रहना। तुम्हारे जाने के बाद ये घर का शेर बनने की कोशिश करेगा। त्रिशा बेटा, तुमको क्या हुआ, इतनी गुमसुम काहे हो? कोई बात हुई है? नहीं नहीं मौसी, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ना जी? तो फिर ये बताओ कि सम्राट तुमको कैसे लगे? बहुत अच्छी लड़की है उर्मी, उसकी तुलना पैसे से मत कीजिए। वो जब इस घर में आएगी ना तो इतनी खुशियां भर देगी, इतनी खुशियां भर देगी कि आप उसे पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। क्यों अंकल? ऐश शाबाश। लड़की वाले सब कुछ हो गए, हम तो कुछ नहीं है। कमाल के दोस्त हो तुम। अपना दोस्त बुलाता है मुझे, बेस्ट फ्रेंड। एक बार भी इसने मेरी तारीफ करी हो तो बोलो। करिए, जब से देख रहा हूं लड़कियों वालों का पक्ष लिया जा रहा है। क्या साइड बदल लियो क्या बे?
सही कह रहे हो बेटा। ईशान तुम्हें याद है ना कि तुम लड़के वालों की तरफ हो, हैं? आंटी अब क्या लड़के वाले और क्या लड़के वाले, अब दोनों मिलकर एक परिवार होने जा रहे हैं। वो लोग भी तो उतने ही अपने, और क्या गलत कह रहा हूं मैं, लाखों में एक है अपनी उर्मी। और इन जनाब को देखिए, टैंट्रम्स देखे ना इसके, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक बार उर्मी आएगी ना तो इस दुनिया से भी कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जनाब कहते हैं कि हमारी तारीफ नहीं करते। एक बार उर्मी इस घर में आ जाए, इस घर का माहौल हंसी खुशी वाला हो जाएगा। सच में हम तो कब से तरस गए थे देवर जी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, लेकिन जब खुशी खुद चलकर घर पे आएगी तो देवर जी कैसे नहीं मुस्कुराएंगे। हाँ देखना, उर्मी आते ही बदल देगी इन्हें। भैया की तरह समझा हुआ मुझे आपने, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अरे मैं कोई बिस्तर पे पड़ी बेडशीट नहीं हूं जो उर्मी आके बदल देगी। सम्राट इकलौता भाई है मेरा, उसके शादी के रिश्ते के लिए फूफा जी के पास सैकड़ों लड़कियों की लाइन लगती है। ऊपर से लड़कियां पागल है उसके पीछे, सो अलग। अब इतना हैंडसम गुड लुकिंग बिजनेसमैन है, जे सब तो होना ही है। कवारी लड़कियां उसके होटल में सिर्फ खाना खाने जाती है, पूछो क्यों? क्यों? अब सम्राट को बस एक नजर देखने के लिए। वो तो है, सम्राट जीजू है इतने हैंडसम, कौन नहीं देखना चाहेगा उनको? क्यों उर्मी दीदी? अरे हैंडसम ही नहीं काबिल भी है। ये जो झांसी में जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है ना, सम्राट के ही तो है। जे सब तो उर्मी बिटिया का नसीब है, वरना कहां मिलता है आजकल के जमाने में सम्राट जैसा होनहार लड़का, है ना? मौसा जी हमारी उर्मी रानी बनके राज करेगी, एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, फिर देखेगा इसके थाट बाट, गहना कपड़ा चप्पल अलग अलग तरह की परफ्यूम्स गाड़ी घोड़ा, बाप रे बाप उर्मी, फिर चलते समय तुम्हें नीचे दिखाई देगा कि नहीं? एक बार शादी हो जाने दो मेरी जान, फिर देखते हैं कौन बदलता है कौन नहीं। अरे बड़े बड़े तुर्रम खा बदल गए, तुम क्या चीज हो? और पता है शादी के बाद ना बदलाव इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बाजी में हुकुम के इक्के की जगह चिड़ी का गुलाम कैसे आ गया। अरे मैं कोई ताश का पत्ता नहीं हूँ मेरे भाई, कि कोई भी उठा के फेंट ले। तुम्हें बड़ी पड़ी है मेरी शादी की, क्या कसम खा के आए हो क्या मुझे सूली पे चढ़ाने की? अरे भाई लंदन से करने के आया हूँ मैं। बेटा तुम्हें देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें कोई औरत कंट्रोल करती है तो कैसा लगता है कि नहीं? सही कह रहे हो बेटा, यदि तुम नहीं होते ना तो जे जनाब तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, इन्हें तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी। अरे मैं कैसे नहीं आता आंटी, भगवान ने मुझे भेजा किस लिए? इसका उद्धार करने के लिए भेजा है?